और मेरी कोई वीडियो वगैरह ले रहा है तो वायरल करने के लिए बोल रहा है या तो प्यार से मान जा वरना मैं जबरदस्ती करूंगा तब तो क्या करेगी। एक लड़का है जिससे ऐसे बदतमीजी करता है, जबरदस्ती करता रहता है हर तक, और गंदा गंदा बोलता है, गालियाँ देता है। तो एक उसके साइड पर एक लड़का है, कोई पास उसके पास वीडियो है मेरी, तो वो वीडियो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अब जैसे मैं कंप्लेंट देके आई हूँ, कंप्लेंट देने के बाद भी वो मेरे शोरूम पे आके लड़का मेरे के साथ बदतमीजी करके गया। रोहतक में दबंगई की हाथ हुई पाप, एक लड़की को जबरन दोस्ती करने का बनाया दबाव, बोले नहीं की तो कर देंगे वीडियो वायरल। 19 सितंबर को पुलिस ने किया आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। डर के साय में जी रही पीड़िता ने छोड़ी अपनी नौकरी, न बाप का साया न ही माँ का साया, लगा रही इंसाफ की गुहार। जहां रोहतक में एक शोरूम पर काम करने वाली एक लड़की ने अपने ही शोरूम के सामने काम करने वाले चीड़ी गाँव के केशर नामक लड़के पर छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्द कहने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे आते जाते वक्त उस पर अश्लील फप्तियां कसता है और उसे जाति सूचक शब्द भी बोलता है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी केशव के खिलाफ छेड़छाड़ और SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी दादी के साथ रहती है और आरोपी की वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद आरोपी केशव का दोस्त 2 दिन बाद उसके शोरूम पर आया और कहा कि या तो केस वापस ले ले वरना हकीकत में तेरी वीडियो को वायरल कर देंगे। इस बात की सूचना पीड़िता ने महिला थाने में दी, लेकिन उसे वहां से जवाब मिला कि इसकी शिकायत वो मॉडल टाउन चौकी में दे। पीड़िता ने बताया कि ना उसके पिता है और ना ही माँ, वह अकेली कमाने वाली है और अपना गुजारा बड़ी मुश्किल के साथ कर रही है। पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर भी शंका जाहिर की और कहा कि 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़िता ने मांग की है कि दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं इस मामले में DSP ने बताया कि लड़की के बयान पर आरोपी केशव के खिलाफ छेड़छाड़ और SC ST एक्ट के तहत व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, साथ ही लड़की के 164 के बयान और मेडिकल भी करवाया गया है। एक लड़का है केशव, मैं शोरूम पे काम करती हूँ, मेरे से सामने वाले शोरूम पे काम करता है, वो जैसे मैं निकलती बढ़ती हूँ मेरे साथ बदतमीजी करता है और मेरी कोई वीडियो वगैरह ले रहा है तो वो वायरल करने के लिए बोल रहा है या तो प्यार से मान जा वरना मैं जबरदस्ती करूँगा तब तो क्या करेगी। क्या कहते हैं वो? आप बोलते प्यार से फ्रेंडशिप कर ले मेरे से। तो इस मामले में आपने पुलिस को कोई सूचना दी? हाँ जी, मैं कल बयान भी हुआ है कल मेरा। पुलिस को कब सूचना दी थी आपने? मैंने 19 तारीख को कम्प्लेन की थी और कल बयान हुआ मेरा। कहाँ पे बयान हुआ? ये नई बिल्डिंग में, कोर्ट में। कोर्ट में बयान हुआ? हाँ जी। तो आपने क्या बताया? मैंने बताया उनको कि एक लड़का है जिससे ऐसे बदतमीजी करता है, जबरदस्ती करता रहता है हर तक, और गंदा गंदा बोलता है, गालियाँ देता है। तो एक उसके साइड पे एक लड़का है, कोई पास उसके पास वीडियो है मेरी, तो वो वीडियो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अब जैसे मैं कंप्लेंट देके आई हूँ, कंप्लेंट देने के बाद भी वो मेरे शोरूम पे आके लड़का मेरे साथ बदतमीजी करके गया। कौन लड़का करके गया? चिराग बोल रहे हैं, तो प्यार से इस मुकदमे को वापस उठा ले, कंप्लेन वापस ले ले वरना मैं तेरी वीडियो वायरल होगी तो फिर मेरे से मत बोलियो। तो पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस तो मैंने बताई है बात, पर वो ये बोल रहे हैं कि इस चीज का आप वहाँ पे मॉडल टाउन वाली चौकी में कंप्लेन करो इस चीज की। अब एक ये बात है कि अगर मैं उन्हें कंप्लेन दे रखी है इस चीज की तो मैं वहाँ पे क्यों कंप्लेन दूँ? तो मुकदमा दर्ज हो गया आपका यहाँ पे? हाँ जी, मुकदमा हो गया। आपको कोई FIR की कॉपी भी मिली है? हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप? सर मैं बस यही चाहती हूँ कि उन्हें सजा मिले। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक मैं ही कमाती थी, मेरे घर में सिर्फ एक मेरी दादी है और कोई भी नहीं है आगे पीछे, घर में एक मैं कमाने वाली थी, उनकी वजह से मेरी जॉब छूट गई है, अब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं चाहती हूँ जब उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है उन्हें भी सजा मिले इस चीज़ की, मैं बस उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ। पीड़िता ने हमारे यहाँ 19 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया है, आरोपी उनके शोरूम के पास ही एक शोरूम पे जॉब कर रहा है और आरोपी पीड़िता के साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाह रहा था, दबाव डाल के उसको असली शब्द भी बोले और ऑटो में उसके साथ बैठ के छेड़खानी भी की। ये आरोप है इस मुकदमे के अंदर आरोपी पर, जो मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इसमें 164 के बयान कराए गए हैं
पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और लीगल काउंसलिंग भी कराई गई है। जो पीड़िता ने अपना प्रमाण पत्र दाखिल प्रमाण पत्र पेश किया है, इसकी तस्दीक करा के जो भी आगामी तफ्तीश के दौरान कई साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया सर? इसमें ये 356A पार्ट 1 सेकंड और फोर्थ और 506, 509 SC/ST एक्ट के तहत।